बड़वानी जिले की पानसेमल विधानसभा में भाजपा ने झोंकी ताकत। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को पहुंचकर शामबड़े ने सौंपा नामांकन। पूर्व विधायक सहित विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के पदाधिकारी भी रहे शामिल। पानसेमल विधानसभा क्षेत्र चुनावी रंग में चढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों की कवायद बढ़ने लगी है। बुधवार को जहां कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार चंद्रभागा किराड़े ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी ओर गुरुवार को भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार श्याम बड़े ने भाजपा के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों के साथ रिटर्निंग अधिकारी एडीएम रमेश सिसोदिया को अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। नामांकन जमा करने के पूर्व नगर परिषद के निकट जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, सांसद गजेंद्र पटेल ने भाजपा के उम्मीदवारों के साथ कार्यकर्ताओं का फूल माला स्वागत किया। जनसभा में पूर्व विधायक दीवान सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं को जोश के साथ चुनाव लड़ने को कहा। पलसुद क्षेत्र से आए भाजपा नेता मोहन गोले अनोखे अंदाज में आदिवासी भाषा में सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील की। मंच से वहाँ भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार श्याम बड़े ने कहा कि आज का नामांकन मेरा नहीं, सभी कार्यकर्ताओं का नामांकन हो रहा है। एक छोटे से कार्यकर्ता को जिस प्रकार से विश्वास जताया है, इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। पानसेमल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रभागा किराड़े ने जहाँ बुधवार को अपना नामांकन जमा किया था, वही आज भाजपा के उम्मीदवार श्याम बड़े ने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन जमा करवाया। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मैं पानसेमल से आरपीटीवी संदीप पाटिल। आज जो नामांकन हुआ है, वास्तव में इस विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और कार्यकर्ताओं सभी काफ़ी खुशी से और इस विधानसभा को तस्वीर और उसका नक्शा बदलने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे, जो आज सब देख रहे आप लोग भी, इसलिए इस बार आज नामांकन करा है। और सभी नामांकन में हमारे लोकसभा के सांसद गजेंद्र सिंह जी पटेल, राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह जी सोलंकी, भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे सम्मानी ओम जी सोनी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक दीवान सिंह जी पटेल, कन्हैयालाल सिसोदिया, जुलाल बेवसा और विकास बेटा और सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं युवा साथी उपस्थित हुए थे। जनसभा में आपने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को मौका दिया गया है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए भैया, वास्तव में मेरे अब क्या, मैं एक छोटा सा किसान परिवार का बेटा हूँ। वास्तव में एक छोटे से किसान के परिवार को बेटे को टिकट मिला, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, हमारे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती है, इससे ये आशय। आरपीटीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ ही बेल आइकन भी दबाए नोटिफिकेशन के लिए। जय न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जींस की गली में, बड़वानी।